हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको बताने लगा हूँ कि आप अपनी घर में पड़ी हुई मोटर के ज़रिए आप मुख्तलिफ काम किस तरह कर सकते हैं। आप इस मोटर को कटर बना सकते हैं, आप इस मोटर को ग्राइंडर के तौर पर यूज़ कर सकते हैं और इससे बहुत सारे काम ले सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो, मैंने इस मोटर की शाफ्ट के ऊपर चूड़ियाँ डाल दी हैं, जिस तरह के एक पेच के ऊपर होती है। इसको मैंने एक स्क्रू बना दिया है। इसके इर्द गिर्द जैसे चूड़ियाँ बनी हुई हैं, इसी तरह आपने मोटर की शाफ्ट के ऊपर चूड़ियाँ बनानी हैं और इसके आगे आपने एक सुराख कर देना है। आपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक चूड़ियाँ डलवानी है। मैंने 3.5 का इसके ऊपर चूड़ियाँ डलवाई हुई हैं, तो इसके ज़रिए मैं बहुत सारे काम कर सकता हूँ। कटर इसको लकड़ी को काटने के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ, लोहे को काटने के लिए इस्तेमाल करता हूँ और बहुत सारी चीज़ों को काटने के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं दोस्तों, अगर आपके पास बहुत सारे ब्लेड्स हैं तो आप इसको बहुत आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें इसके ज़रिए बना सकते हैं, मल्टी टूल बना सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं इसके ऊपर एक स्क्रू ये वाला लगा रहा हूँ, ये वाला स्क्रू मैं इसके ऊपर लगा कर इसको मैं टाइट कर दूँगा। और आपने ये फुल टाइट नहीं करना, चूड़ियाँ इतनी बनवानी है कि तकरीबन 3-4 mm का फ़र्क हो उसके ऊपर। तो ये देखें, ये चूड़ियाँ बन रही हैं। मैं आपको आगे करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये चूड़ियाँ इसके ऊपर बनी हुई हैं और मैंने स्क्रू लगा दिया है। स्क्रू लगा के उसके ऊपर मैंने वॉशर रख दी है, वाचर रख के मैंने इसको टाइट कर दिया है। ये मैंने दो स्क्रू के ज़रिए इसको टाइट कर दिया है। ये आप किसी भी चीज़ की मदद से, प्लास या रेंच, किसी भी चीज़ की मदद से इन दोनों को टाइट कर लें। इन दोनों को टाइट करके उसके बाद आपने एक शार्फ रखनी है, यहाँ ये चूड़ी रखनी है। चूड़ी रख के आप कोई भी ब्लेड हो, और देखिए मेरे पास अगर ब्लेड नहीं था तो मैंने इस तरह से इसका ब्लेड बना लिया है। आपके पास कोई भी गोल ऐसी चीज़ हो या ऐसी पतरी हो जो कि गोलाई में हो तो आप उसके ऊपर ये खुद बना सकते हैं। ये देखें, मैंने कटर बनाया हुआ है, ये मैंने इसकी मदद से बनाया है। आप इसकी मदद से इसके ऊपर चूड़ियाँ डाल सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, इसके ब्लेड बना सकते हैं, इसको रेग मार के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें, मैंने इसके दरमियान में, आपने कोई ऐसी प्लेट लेनी है जिसके दरमियान में ये नट 3.5 का चले जाए, क्योंकि मेरी चूड़ियाँ 3.5 की हैं। तो 3.5 की आप चूड़ियाँ बनाएंगे तो देखें, मैं इसको इसके ऊपर लगाऊंगा तो ये इसके ऊपर बिल्कुल फिट हो जाएगा। ये इसके ऊपर बिल्कुल फिट हो जाएगा और ये इसकी गुंजाइश नहीं रहेगी। आप इसको इसके मदद से काट भी सकते हैं। मैंने इतने हिस्से के ऊपर चूड़ियाँ बनाई हैं, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए बनाई हैं। ये चूड़ियाँ जो बनी हुई हैं ये आपको दिखाने के लिए मैंने बनाई हैं। और आप इसकी जगह ब्लेड भी लगा सकते हैं और भी बहुत सारा सामान लगा सकते हैं जिसकी आपको ज़रूरत हो, तो ज़रूरत के मुताबिक आप इसको खोल भी सकते हैं। लेकिन आपने इस स्क्रू को टाइट करना है, लाजमी टाइट करना है, क्योंकि अगर आप इसको टाइट नहीं करेंगे तो ये ब्लेड ओपन हो जाएगा और ये किसी को भी लग सकता है। तो मेरे दोस्तों, इसके ज़रिए आप ये कटर बना सकते हैं, लकड़ी वगैरह को काटने के लिए कटर बना सकते हैं। इसके ज़रिए आप इसके ऊपर अपनी धाती सामान को या अपनी पेचकस वगैरह को, छुरियों को, चाकुओं को, किसी भी चीज़ को तेज़ करने के लिए आप इसके ऊपर कुछ भी लगा सकते हैं। इसके ऊपर आप फैन लगा सकते हैं, तो इसके ज़रिए आप बहुत काम कर सकते हैं। ये बहुत ही यूज़फुल टिप मैं आपको बता रहा हूँ, जिसके ज़रिए आप सब कुछ बना सकते हैं। ये एक मल्टी टूल है, इस मल्टी टूल के ज़रिए आप कुछ भी अपनी ज़रूरत के मुताबिक बना सकते हैं। मेरे दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो के नीचे लाल बटन को क्लिक करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हम और भी मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो लगाते रहेंगे। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा देख सकें और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास मोटर्स पड़ी होती हैं लेकिन वो किसी इस्तेमाल में नहीं ला सकते मोटर्स को। देखें, आप इसको अगर एडजस्ट करना चाहते हैं तो ये सुराख आप देख रहे हैं, ये आपको सुराख नज़र आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, ये चार सुराख हैं। आप इसमें स्क्रू लगा के इसको किसी भी चीज़ के ऊपर टाइट भी कर सकते हैं और आप इसका कुछ भी बना सकते हैं।
वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारी वीडियो शेयर करें। अगली वीडियो तक हम अगली वीडियो बनाने तक हम इसको और मज़ीद बेहतर बना देंगे। इस वीडियो को दोबारा अपलोड करूँगा और मैं तमाम ब्लेड्स वगैरह लगा के आपको दिखाऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।